अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज संडे सिंदुल फिकार एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द टेस्ट पेपर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और उसके जो पास पेपर्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, इसके ई कैट के, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 2018 और 2019 ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो बाकी ईयर्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, 2017 और उससे पीछे जितने हो सकेंगे मैं करा दूँगा। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कंटेन फंक्शनल ग्रुप डैश। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं कि जिसमें हमारे पास एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप भी हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है, और इसमें हमारे पास कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। और ये पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस यहाँ पर डी यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 ml ऑफ 1 molar NaOH अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट। तो आप जानते हैं अमाउंट मोलारिटी का वैसे सिंपल फार्मूला हमारे पास होता है, मोलारिटी इक्वल टू मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MFM इनटू ML। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इस मास के लिए सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो वैल्यूज़ जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर में 0.2 ग्राम आ जाएगा। थर्ड है MCQs में थोड़ी गलती है, आयनिक सोल्यूशन ऑफ KBr हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ KBr की वजह NaCl होगा, तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर KBr से कम होता है। नेक्स्ट है 20 ग्राम मोनोटोमिक गैस ऑकोपाइज 44.8 dm³/stp। वट इज़ अटोमिक मास वेट ऑफ गैस। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम एट STP, ये हमारे पास हो जाता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू 22.41। तो अगर यहाँ हम इस मास के लिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल M के लिए, तो V पता है, मास पता है, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मास की जो वैल्यू है या मॉलिकुलर मास की जो वैल्यू है वो 10 ग्राम यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ 1 mole ऑफ इथाइल अल्कोहल रिक्वायर्स 3 mole ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 56 ग्राम ऑफ इथेन। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रॉन्ग है, इसमें डेटा गलत है। 6 से -42 °F इज इक्वल टू -0°C। तो फॉरनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमारे पास ये कन्वर्जन की फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि अगर फॉरनहाइट है सेंटीग्रेड पर जाना है तो 5/9 × °F -32। इस फार्मूले को यूटिलाइज करके आप उसका आंसर निकाल लें। नेक्स्ट है बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश रिएक्शन। तो बेंजीन इसमें से एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास कभी नहीं करता। 8th है एंजाइम इज डैश। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स। तो कौन से आइसोमर्स होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज है कि हमारे पास एल्डोज शुगर है, जबकि फ्रक्टोज हमारे पास है कीटोज शुगर है। नेक्स्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 4p1। क्या चीज़ इनकरेक्ट है, तो ये ए वाला पार्ट पोर्शन इनकरेक्ट होगा, चूँकि ये फर्स्ट पीरियड पे लाई नहीं करेगा। ये जिस पीरियड पे लाई करेगा वो फोर्थ पीरियड पे लाई करेगा, चूँकि ये जो बड़ा नंबर होता है ना, ये एन वैल्यू होती है, और एन वैल्यू आपको जो है वो शेल्स बता रहा होता है। नेक्स्ट एलिमेंट विथ सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इज स्टेनलेस स्टील। बेटा स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है आयरन, देन निकल, देन क्रोमियम। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, निकल सेकंड नंबर पे हाईएस्ट परसेंटेज निकल की है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 12th है फार्मूला ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इज डैश। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैग्नेट एक हमारे पास होता है पर मैग्नेट, हमारे पास पर मैंगनेट होता है वो होता है MnO4-1, जबकि जो मैग्नेट आयन हमारे पास होता है वो होता है MnO4-2। तो पोटेशियम मैग्नेट में -2 वैलेंसी देखिए नीचे आ रही होती है पोटेशियम के नीचे, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट हमारे पास जो होता है दिस इज पर्पल इन कलर, वाइल पोटेशियम पर जो पोटेशियम मैग्नेट होता है वो ग्रीन कलर का हमारे पास होता है। नेक्स्ट है 13th है रिस्पेक्टिव नेम ऑफ NO3-NO2-N and -1। दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्राइड। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14th है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ हो गए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ हो गए, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 15th है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बो और हाइड्रेट सी और H2O, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2 to dimethyl butane।
दिस शुड बी ब्यूटेन। 2-2-dimethylbutane में सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो 2-2-dimethylbutane की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 पर मिथाइल हमारे पास है CH3 और यहाँ पर हमारे पास मिथाइल है CH3। अब इस बाकी जगहों पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात यहाँ पर की जा रही है। सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए हमें सेकेंडरी कार्बन देखना पड़ेगा। तो सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है जिसमें कार्बन के साथ दो तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट हो जाए, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी, उसको हम यहाँ पर कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर अब जो सेकेंडरी हमारे पास कार्बन आ रहा है 2-3-dimethylbutane के अंदर, लेकिन टोटल 4 हैं यहाँ से, जो वहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सब H हैं। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन हमारे पास सेकेंडरी कार्बन से इन्वॉल्व है, और में हाइड्रोजन कितने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका आंसर हो जाएगा A2। नेक्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट इज डैश। नॉन पोलर सॉल्वेंट किस में होता है, तो नॉन पोलर हमारे पास SN2 के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है C5H10 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डैश। दो चीज़ों का फार्मूला होता है C5H10, या तो ये हमारे पास ये है फार्मूला पेंटीन का है, या तो ये फार्मूला हमारे पास पेंटीन का, नहीं तो फिर साइक्लोपेंटेन का है, चूँकि दोनों आइसोमर्स होते हैं, तो साइक्लोपेंटेन पेंटीन बोथ है, एंड सी करेक्ट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ये हमारे पास होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन हमारे पास फैटी एसिड कहलाते हैं, जो सैचुरेटेड हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक विच डज डोंट कंटेन एनी मेटेलिक एलिमेंट। पी ब्लॉक में किसमें कोई भी मेटेलिक एलिमेंट नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप सी जीरो ग्रुप जो हमारे पास है, मतलब 8A ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास कोई भी मेटेलिक एलिमेंट नहीं आता। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाए तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, तो ए वाला ही हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट पॉलीथीन इज मेड अप ऑफ इथालिन इन द रिएक्शन डैश। तो पोलीमराइजेशन होती है जिसमें पॉलीथीन जो है वो इथालिन से पॉलीथीन में कन्वर्जन होती है। फोर्थ है इन अ ग्रुप नेम सेम क्वान्टिटी इज प्रेजेंट इन डैश। ग्रुप के अंदर सेम क्वान्टिटी जो है वो कौन सी किस चीज़ की होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप नंबर के लिहाज से। नेक्स्ट है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इज द इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास हैस लॉ है, ठीक है, ऑर्सिन बोर्ड के अंदर ये हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है क्लास फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट है 6th MCQs है व्हेन अ फाइन होल ग्लास ट्यूब इमर्ज इन द वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब इंक्रीजेज इट इज सेट टू बी डैश। इसका हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, जो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ इज वैलिड फॉर डैश, तो गैसेस के डिफ्यूजन के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 इज द कन्फिग्रेशन ऑफ डैश। 2 2 4 5 6 7, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 9th है सोल्यूशन टेंड्स टू मेंटेन इट्स पीएच विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये कहलाता है बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट है इन एल्यूमिनियम कोरोजन इज नॉट प्रोसीड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश लेयर। तो एल्यूमिनियम हमारे पास सेल्फ कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, किस वजह से, कि उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3 की एक लेयर बन जाती है। 11th है पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड आर, ये भी पीछे गया है, एल्डिहाइड कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स और इसको कहते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैश, तो ओसवाल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड इज डैश। पिक्रिक एसिड हमारे पास क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। 14th अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट होते हैं जिसको हम RMgX कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3A+2B फॉर्म C फॉर रिवर्सिबल एक्शन KC। KC की इक्वेशन क्या निकले कि C ऊपर होगा, और तो ये A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि बाकी जगहों पर C नहीं है ऊपर किसी में भी, इसमें C स्क्वायर है। नेक्स्ट है एवेपरेशन ऑफ वाटर इज डैश प्रोसेस, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आइसोमॉर्फिज्म नन। तो जब वाटर एवोपरेट हो रहा होता है तो असल में हीट इसके अंदर से रिलीज़ हो रही होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वाटर के एवोपरेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डैश, तो जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास ये एलोट्रोपी कहलाती है। नेक्स्ट कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश। कूलिंग जो है वो प्रोसेस कैसी है, कॉन्ट्रेक्शन वाली प्रोसेस। नेक्स्ट है पॉलीथाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ
ये हमारे पास पॉलीथाइलीन एडिशन पॉलीमर होता है इथीन का। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड होता है और उसमें हम NaOH भी इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास HCWH और इसी को हम लोग जो है वो मीथानोइक एसिड भी कहते हैं। मीथानोइक एसिड इज़ IUPAC, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो उसका जो है वो हमारे पास कॉमन नेम है और चुटियों के डंक में पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेसाइड, फॉर्मूला इज डैश। तो मैग्नेसाइड क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइड कहते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, हेमीहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी हेमीहाइड्रेटेड। तो हेमीहाइड्रेट यहाँ पर ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। C+2S इट फॉर्म CH2+ ΔH इज द डैश। तो डेल्टा एच की वैल्यू हम यहाँ पर शायद पॉजिटिव में आ रही है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है सिनाबार इज द डैश। सिनाबार एक हमारे पास और होता है मरकरी का। अब 2015 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास कहलाता है वो गाउडरोज लॉ। सेकंड है ग्राहम्स लॉ अप्लाइड ऑन डैश। ग्राहम्स लॉ किस पर अप्लाई होता है, तो ग्राहम्स लॉ अप्लाई होता है गैस के डिफ्यूजन पर। वाइटामिन बी कंटेंस डैश, वाइटामिन बी हमारे पास राइबोफ्लाविन होता है, वैसे तो ये वाइटामिन B2 होता है असल में। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। Ca2F एंड PO42 इज डैश। एपेटाइट, मैग्नेसाइट, फॉस्फोराइट या फिर चैल्कोसाइट, ये हमारे पास फॉस्फोराइट रॉक जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास है सी, दिस इज फॉस्फोराइट। नेक्स्ट है हेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डैश। हेस लॉ जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कम्बसन, हीट ऑफ रिएक्शन टू आइडेंटिफाई एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेस लॉ हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है पेन कंटेंट्स बाइंडर फिलर डायर सब इसमें होता है ऑल। एट्थ है ह्यूमन बॉडी कंटेन मैक्सिमम स्टेरॉइड्स डैश। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम स्टेरॉइड्स हमारे पास होते हैं दैट इज एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय डैश। अमाउंट ऑफ हीट एड किया जा रहा है पॉजिटिव में, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, तो क्यू और डब्ल्यू दोनों हमारे पास पॉजिटिव में आएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एंजाइम आर डैश, पीछे भी MCQs के एंजाइम प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। 11th है मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ वेनेगर इज डैश। तो वेनेगर में मेन हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3COOH। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया और OH के बीच का बॉन्ड कौन सा है, तो ये कैटाइन है, ये एनाइन है। कैटाइन एनाइन के बीच का अट्रैक्शन है, तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। HCl नेचर में कैसा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हेटरोडायटोमिक है तो पोलर नेचर का होगा। तो वैसे पोलर कोवेलेंट भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इतना इथाइल अल्कोहल है, इतना एसिटिक एसिड है और इतना एस्टर वाटर बना है इक्विलिब्रियम पर, कैसे ही बताइए, क्योंकि ये जो रिएक्शन हमारे पास आ रहा है जिसमें अल्कोहल जो है वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन कर रहा है, दिस रिएक्शन, यू नो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। और जितने भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होते हैं उनकी वैल्यू जो है हमारे पास के सी की वो 4.0 आती है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोड्यूस डैश। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें हमें यहाँ पर अल्केन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो अल्केन की प्रोडक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस से, है ना। हम यहाँ पर RMGX लेते हैं और वाटर से उसका रिएक्शन कराते हैं HOH के साथ, ये MGX इस OH से मिलता है, R इस H से मिलता है, तो RH हमारे पास बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है MG एक तरफ, OH आ जाता है हमारे पास और एक तरफ X आ जाता है, तो दिस इज़ द अल्केन। हर तरह के अल्केन बना सकते हैं इस प्रोसेस से। नेक्स्ट एसिटिक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल गिव्स डैश। तो ये हमारे पास फिर से वही आ गया एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, आपको पता है एस्टर बनेगा और कौन सा एस्टर बनता है, इथाइल एसिटेट बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि CH3COOH है और उसका रिएक्शन हमारे पास होता है इथाइल अल्कोहल से C2H5OH से, तो यहाँ पर हो क्या जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है और ये साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है CH3COOC2H5। तो ये हमारे पास इथाइल हो गया और ये एसिटेट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, इथाइल एसिटेट। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ pH, माइनस लॉग H प्लस आइन कंसेंट्रेशन, ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मूला ऑफ pH। 18 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम
और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन, ये हमारे पास होता है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू होन्स रूल दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डैश, 2, 2, 4, 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट इन द सेम ग्रुप विच प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो ये से पहले भी पेपर में आ चुका है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सिमिलर होते हैं, एक सेम ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी फ्रॉम विनाइल क्लोराइड इन एग्जांपल ऑफ डैश, तो पीवीसी होता है पॉली विनाइल क्लोराइड और ये हमारे पास जो है वो एडिशन पॉलीमर होता है। जिस भी पॉलीमर के नाम में पॉली आ जाता है ना, तो वो समझ जाए कि वो एडिशन पॉलीमर ही है, चाहे वो पॉलीथीन और पी वी ए पी वी सी कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय डैश, तो ये पीछे भी जा चुके हैं एमसीक्यूस, ये है विच मेक्स परमानेंट हार्ड वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस आपको पता है कैल्शियम सल्फेट हो गया, इस तरह मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इस तरह कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सारे परमानेंट हार्ड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। नेक्स्ट है फैट कम्बस्ट एंड प्रोड्यूस डैश फॉर टिश्यू, जब फैट जलता है तो हीट और एनर्जी यहाँ पर इसमें जो है वो पैदा होती है इसकी वजह से। 2014 का पेपर अब देखते हैं, एनईडी पास पेपर केमिस्ट्री का, कि व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर, देन 58 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय डैश, कि 54 ग्राम वाटर किससे प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास H2 है प्लस O2 है, ये बना रहा है H2O, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए लगा लेंगे, इधर पर 2 लग जाएगा, इधर पर 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब कह रहे हैं कि देखें किससे फिफ्टी फोर ग्राम हमें वाटर चाहिए, तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, देखिए 18 हो गया, ये 36 हो गया, यहाँ पर 36 ग्राम के लिए हमें 32 ग्राम ये चाहिए और 4 ग्राम ये चाहिए, तो 54 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, हाइड्रोजन के लिए पहले चेक कर लेते हैं, तो 4 के लिए 36 चाहिए, 4 के लिए 36 चाहिए, तो हमारे पास x डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा कितना 54, तो x इक्वल टू 4 इंटू 54 अपॉन 36, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 इंटू 54 डिवाइड बाय दैट इज 36, ये 5.6 इतने ग्राम हमें चाहिए होंगे किसके भाई, दैट इज़ के ये हाइड्रोजन के। मोल्स के लिहाज से बात की जाए तो 2:2 से रेशू है, तो 1 मोल तो चाहिए नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास तो गलत ही हो गया, ठीक है, मोल्स भी यहाँ पर हमारे पास लगभग कितने आ रहे हैं, 36 ग्राम है ना 54 ग्राम में, तो 18.06 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 6 3 18 हमारे पास यहाँ पर हो जाता है, और 200 cm³ ऑफ ऑक्सीजन या फिर नन। तो बाकी अब ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर मास कितना हमारे पास यहाँ पर आ जा रहा है, तो 32 से बन रहा है 36, तो x से बनेगा हमारे पास 54, तो x फिर बराबर हो गया 32 इंटू 54 डिवाइड बाय 36। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 32 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 36, ये 48 हमारे पास आ गया, तो 48 जो है वो दैट इज़ ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आया है, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस, सबसे पहले चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितने मोल्स इसमें बन रहे हैं, तो मोल्स के लिए हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, सॉरी, तो ये जो भी हमारे पास आंसर आया, वाट से कर लेते हैं, दैट इज 32 इंटू 54 डिवाइडेड बाय दैट इज 36, 48 आया, तो 48 डिवाइड बाय मास अपॉन मॉलिकुलर मास लगा लेते हैं, 48 डिवाइड बाय हमारे पास ये आ जा रहा है 32, 1.5, तो 1.5 मोल्स आ रहे हैं,
तो 18.06 तो नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास एवोगाड्रो का, 6212 नहीं, तो यहाँ पर 200 CM³ हो सकता है बन, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आई थिंक ये नन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, के नन ऑफ दीस है। नेक्स्ट है 28% H2SO4 × 2 L इस डैश, तो 28% H2SO4 दो लीटर में ये हमारे पास कितना होगा बाय मास, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है 1 molarity ऑफ 3 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू डैश, तो 1 molar सोल्यूशन हमारे पास 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ डैश, ब्रास किसका अलॉय हमारे पास है, तो ब्रास हमारे पास कॉपर और जिंक का अलॉय है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो है वो पीतल कहते हैं। नेक्स्ट है नेप्थलीन हैज डैश पाई बॉन्ड, नेप्थलीन के पास पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो ये नेप्थलीन हमारे पास है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 पाई बॉन्ड हमारे पास नेप्थलीन में होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इनमें से कौन सा आइसोमर्स है, तो सेम जिसका फॉर्मूला होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ब्यूटानल और 2-butan ब्यूटेन 1-ol, ठीक है, और डाईमिथाइल ईथर और डाई इथाइल अल्कोहल, तो डाईमिथाइल ईथर हमारे पास CH3OCH3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H6O, इथाइल अल्कोहल भी C2H6O ही होता है, ये तो है ही हमारे पास, एसिटोफिनोन एंड 2-benzaldehyde, एसिटोफिनोन की अगर हम बात करें तो दिस इज एसिटोफिनोन, ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया, C double bond O, उसके बाद CH3 एंड 2-benzaldehyde, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, सी यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से C double bond OH लगा होता है, तो ये आइसोमर से एक दूसरे के नहीं है, तो सिर्फ ए आइसोमर हमारे पास होगा, C भी नहीं होगा इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th है वाई अ रेन ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ डैश, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, मिनिमम रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टू सरफेस एरिया, मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो हमारे पास मिनिमम होता है, इस वजह से फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल होता है। 8th है फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन डैश, फैटी एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑयल पेंट सोप ऑल, तो फैट्स हमारे पास ऑयल में तो नहीं होते, सोप में हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। नेक्स्ट है डेल्टा क्यू की वैल्यू ये है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है, डेल्टा ई कितना होगा, तो आप जानते हैं डेल्टा ई बराबर हो जाता है हमारे पास क्यू हमारे पास बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा ई बताना है ये हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो 200 प्लस में आ जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस हमारे पास 248 हमारे पास ही हो जाएगा, ठीक है, या प्लस में आ जाएगा चूँकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस 248, ये 448 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट, किसका जीरो डायपोल मोमेंट है इनमें से, तो वैसे सारे सबके जीरो डायपोल मोमेंट है चूँकि सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। 11th विच ऑफ द फॉलोइंग इज निक्लोफाइल, इनमें से कौन सा निक्लोफाइल है, तो बेंजीन BF3 हमारे पास एक जो है वो निक्लोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ब्यूटेन की बात कर लेंगे तो ब्यूटेन भी हमारे पास नहीं है, तो बेंजीन हमारे पास जस्ट निक्लोफाइल है। नेक्स्ट अल्फ़ा पार्टिकल है स्टैश, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो 2 proton और 2 neutron इसके पास होते हैं, 2 proton 2 neutron, हीलियम नहीं होता, 2 proton, हीलियम में तो आपके पास इसमें 2 proton 2 neutron साथ में 2 electron भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोडक्टेबल इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन, तो बोथ ए एंड सी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा
जो है वो प्रोटॉन से बढ़ ज़्यादा होते हैं प्रोटेक्टिबल के अंदर. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द लिपिड, स्टोराइड, ग्लिसराइड, वैक्स, नन. ठीक है, इनमें से कौन से लिपिड नहीं है? तो स्टोराइड भी लिपिड होते हैं, ग्लिसराइड्स भी लिपिड्स हैं, वैक्स भी लिपिड है, तो यहाँ पर नॉन ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस कॉन्जुगेट बेस बन रहा होता है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है पी एच ऑफ दिस मोलर एन ए ओ एच इज डैश. देखें अगर ये दो निकालेंगे, टू जो इसका निकल जाएगा पी ओ एच, ये टू निकल जाएगा, फिर 14 में से इसको माइनस कर देंगे तो 12 इसका हमारा पी एच आ जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर डैश, कई बार आ रहे हैं प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं. नेक्स्ट है वेन एन ए ओ एच रिएक्ट विथ वाटर देन बीकर बिकम सॉल्ट द रिएक्शन इज डैश. तो ये एन ए ओ एच का जब वाटर से रिएक्शन होता है बीकर हॉट हो जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास है. नेक्स्ट है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स बैलेंस शेल द एटम डैश, तो एटम गेन करता रहे एनर्जी को, तो क्या होता है कि फिर लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है. 21 नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन की बात की जाती है, तो प्राइमरी कार्बन इसके अंदर कितने हैं? तो प्राइमरी कार्बन कौन से होते हैं जो सिर्फ एक ही तरफ से रेडिकल से अटैच होते हैं? दिस विल बी कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कार्बन एक ये है, एक तरफ से रेडिकल से अटैच है, दूसरा ये है, एक तरफ से अटैच है, तीसरा ये है हमारे पास, तो तीन प्राइमरी कार्बन हमारे पास हैं. नेक्स्ट है एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश, एक्टिव पार्ट जो मॉलिक्यूल में होता है फंक्शनल ग्रुप होता है. 23 पेट्रोलियम इन इट रिफाइंड फॉर्म इज नोन एज डैश, पेट्रोलियम को जब रिफाइन कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनरल ऑयल. नेक्स्ट है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड डैश, ये कहा जाता है इसको कैटेनेशन. 25 है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली गिव डैश एब्जॉर्प्शन बैंड, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड हमें दे रहे होते हैं. जब लाइन स्पेक्ट्रा बनता है तो उस लाइन स्पेक्ट्रा में जो है वो ब्रॉड लाइंस मतलब बनी हुई आ रही होती हैं, ये शो होता है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है. नाउ 2013 के एमसीक्यूज पे आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट टर्न्स रेड इट मस्ट पेपर ब्लू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डैश. देखो सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी में डालेंगे, जब इसको HOH में तुम डालोगे तो क्या होगा, NaOH बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड डैश, तो उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, जिसको ईटा से शो किया जाता है. नेक्स्ट है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ डैश, ब्रास अभी मैंने आपको बताया था दैट इज़ के ये जो पीतल कहलाता है दिस इज ब्रास, तो कॉपर और जिंक का अलॉय है ये. नेक्स्ट रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन. एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस बिलोंग टू ऑल द सेम ग्रुप ऑफ रॉक टेबल एंड दे शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डैश, क्योंकि इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट सेल की सेम होती है, जनरल वैलेंस कन्फिग्रेशन. सिक्स्थ है व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज सेड टू बी वेरी सिंपल, सब्लिमेशन. सेवन्थ है डायपोल मोमेंट ऑफ सी ओ टू इज जीरो, स्ट्रक्चर विल बी डैश, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है सी ओ टू का. एट्थ है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल इज डैश, तो पेट्रोल में वैसे हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर होता है, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास जो पेट्रोल का होता है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो दैट इज ऑक्टेन. नाइन्थ है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज डैश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ये कहलाता है वाटर गैस. एलेवंथ है व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर वन मोलर NaOH टू परफॉर्म वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये अमाउंट बताना है, फिर से सेम ये सवाल पीछे जा चुका है, तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर क्या यूज़ करना है, कि मोलैरिटी बराबर होता है मास इंटू 1000 डिवाइड बाय MFM इंटू ML. ठीक है, तो ये आपको ये बताना है, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आप बता दीजिएगा. नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, दिस इज डैश, द वॉल्यूम इज एग्रीशन नंबर ऑफ मोल्स, तो दिस इज कॉल्ड द अवोगाड्रोज लॉ. नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन, ज़ाइलीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ज़ाइलीन में क्या होता है कि दो जगह पर CH3 हमारे पास मौजूद होता है, तो ये हमारे पास C6 हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास 6 के बजाय 4 होंगे, उसके बाद CH3 हमारे पास दो बार होगा, इस तरह का लगभग कोई फार्मूला होगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ विच इलेक्ट्रॉन कैन हैव, तो वो केश लेवल होता है. सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में 80% बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.73 है, इट्स नॉर्मलिटी अप्रॉक्सीमेटली इज डैश, तो ये आउट ऑफ द कोर्स एमसीक्यूज है, तो डोंट नीड टू डू इट.
नेक्स्ट है 16th है ग्यामा रेज हैव डैश। ग्यामा रेज का जीरो मास होता है और जीरो चार्ज होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। 17th है कैथोड रेज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को कन्फर्म करते हैं। 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इंटू एनर्जी। इक्वल टू एमसी स्क्वायर है और ये आपको पता ही है, बहुत फेमस आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन है। नेक्स्ट है गैमा रेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नन। तो ये बिल्कुल किसी भी फॉर्म में नहीं निकलते, चूंकि ईएम वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में निकलते हैं ये। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ डैश। अमीनो एसिड कहाँ से नहीं आ सकता, शुगर से नहीं आ सकता, क्योंकि शुगर से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम फार्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट है 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, सबसे एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन होगा ड्यू टू इट्स जो है वो ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 4.0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव अ पीएच ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 पीएच देगा, मतलब बेसिक बताने के बेसिक सोल्यूशन कौन दे सकता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब हम डालेंगे ना तो सूरत में या जबकि OH को जब पानी में डाला जाएगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास बनाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैज़ द सेम चार्ज एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन एंड हैविंग 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास प्रोटॉन होता है। 25 है द सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारे पास जो है ना वो जो ये जो टॉपिक आया हुआ क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 से या चैप्टर 8 से, ये फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है, जिसमें आपको याद होगा कि W इक्वल टू जेड इंटू ए इंटू टी ये फॉर्मूला भी ड्राइव करते थे। तो 2012 का पेपर अब आ रहा है कि अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ 28% कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन को आप छोड़ दें इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये हमारे पास है दैट इज मिथॉक्सी है एंड दिस इज इथेन। या अगर हम कॉमन नेमिंग नीचे लिखे हैं तो वैसे जो है वो यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो ये मिथाइल इथाइल कीटोन हमारे पास कहलाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है नेप्थलीन रिंग हैज डैश पाई बॉन्ड, तो अभी पीछे गया है 5 पाई बॉन्ड दिखे। नेक्स्ट है CnH2n+1OH रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये अल्कोहल हमारे पास है। नेक्स्ट है 1S2 2P6 2S2 3P6 विच रूल एवोल्यूशन अकर, 1S2 2S2 2P6 3S2 1S2 2S2 2P6 3S2। यहाँ पर हमारे पास है ना वो चूँकि अरेंजमेंट आगे पीछे हो गई है तो अब वो प्रिंसिपल यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, सॉरी नॉट ऑफ वो एंड जैसे अब वो प्रिंसिपल की वॉलेशन ही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, विच पेयर इज आइसोमर विथ अदर, इथेनॉल इथेनॉल कभी आइसोमर नहीं होते, ये डाइमिथाइल ईथर इथेनॉल ये हमारे पास होते हैं आइसोमर्स। 7th विच कैन बी यूज एज न्यूक्लोफाइल, तो न्यूक्लोफाइल इसमें से क्या हो सकता है, बेंजीन को अगर न्यूक्लोफाइल यूज कर सकते हैं। 8th है इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, डायपोल मोमेंट हम सिर्फ अमोनिया में होगा ग्रेटर देन जीरो क्योंकि पोलर नेचर का है ये, दिस इज पोलर इन नेचर। 9th NaCl रिएक्ट विथ वाटर कंटेनर बिकम्स हॉट, इट रिप्रेजेंट्स डैश, ये रिएक्शन हमारे पास कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ईवन मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय डैश, ईवन मैकेनिज्म हमेशा पोलर सॉल्वेंट जो है ना वो कर रहा होता है। 11th 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय अ कंटेनर विच जस्ट वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा ई हमने यहाँ पर लेना है और हीट गिवन आउट है कंटेनर से तो माइनस का 50 हो गया ये और 100 जूल का वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो विच डस वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग्स, और यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। तो हमें डेल्टा ई बताना है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस में हीट गिवन आउट बाय अ सिलेंडर कंटेनर तो माइनस का 50 हो गया और ये माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम है तो एंड विच डस वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग, तो ये प्लस का हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। ये माइनस का सॉरी हमारे पास 100 होगा, नो नो प्लस का ही होगा,
तो ये -50 हो गया और प्लस का 100 हमारे पास, प्लस माइनस माइनस का 100 यहाँ पर हो गया, ये हमारे पास माइनस का 150 हमारे पास हो जाएगा। 12th से रिडक्शन इज डैश, रिडक्शन का मतलब क्या होता है RIG, ऑलरेडी याद है ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है O-3 कन्वर्ट इनटू O-2, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रही है, ये ऑक्सीडेशन अगर हो रही है। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ डैश, पीछे चला गया, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। 15 है प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ डैश, प्रोटीन में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन में हमारे पास अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और उसके साथ एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, एंजाइम भी प्रोटीन ही है, तो आई थिंक ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर तो नहीं होगा, लेट्स मी रब इट। दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। 16th है विच इज नॉट लिपिड, इनमें से लिपिड कौन नहीं है, फैट्स, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, नन। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें से जो है हमारे पास लिपिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास अल्कोहल होता है जिसमें 3 OH मौजूद होते हैं, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। 17th है 4B ग्रुप में भी रिप्रेजेंट बाई डैश, पीरियड 3S2 4D2 आउटर ट्रांजिशन नन। 4B ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो पीरियड थर्ड तो नहीं होता, फोर्थ से स्टार्ट होता है, 3S2 4S2, यस ये हमारे पास हो सकता है बी ऑप्शन, आउटर ट्रांजिशन भी है ये वैसे तो, 4B 3S2 4S2, नहीं नहीं ये रिवर्स हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता चूँकि 4S2 3D करके होता है, आउटर ट्रांजिशन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 18 है इन विच आइसोटोप न्यूट्रॉन इज डबल दैट ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का डबल न्यूट्रॉन हमारे पास ड्यूट्रियम में होता है। नेक्स्ट है 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये जीरो हो जाती है। 21 है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज डैश, लेफ्ट राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। 22 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डैश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होता है जो डिक्रीज हो करता है खुद ऑक्सीडेशन नंबर में, खुद रिड्यूस होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 1200 CM³ आर एट STP, देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल इंटू 22.41 यही होता है ना, डेसीमीटर क्यूब में मोल्स बताना है तो वी अपॉन 22.41 हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास 1200 CM³ है, मतलब 1.2 डिवाइड बाई 22.41 हो जाएगा DM³ के लिहाज से, ठीक है। तो ये हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में आ गया 1.2 और डेनोमिनेटर में आ गया 22.41, ये आंसर 0.053 आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 1 किलो कैलोरी जो है वो हमारे पास कितने जूल के बराबर होता है, 4186 जूल के बराबर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, फाइंड द मोल्स ऑफ HI, देखो H2+I2 हमारे पास 2HI बनता है, ठीक है, कह रहे अगर 2 मोल हाइड्रोजन के बनेंगे तो कितना, 4 मोल ऑफ HI बन जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 के MCQs देखते हैं, 25 इसके MCQs केमिस्ट्री के NAD के पास पेपर से। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप डैश, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है HBr इज डैश, HBr का नेचर क्या होता है, HBr हमारे पास खुद होता है दैट इज पोलर, तो आई थिंक ये सवालात जा चुके हैं पीछे, 0.1 मोलर ये भी जा चुका है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन ये भी जा चुका है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डाईमिथाइल ब्यूटेन ये भी जा चुका है, विच इज पोजिशन आइसोमर्स ये नहीं किया है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन ये हमारे पास पोजिशन आइसोमर है। व्हाट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कम्बस्ट बेंजीन कम्प्लीटली, तो 15 मोल वैसे चाहिए होते हैं, 15 का आधा हमारे पास हो जाएगा 7.5, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1, विच वन इज़ इनकरेक्ट, 4th पीरियड नहीं ये करेक्ट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ये भी करेक्ट है, एजिमथल क्वांटम नंबर 1 ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th है
कार्बोहाइड्रेट्स एट फंक्शनल ग्रुप डैश कीटोन एल्डिहाइड बोथ दोनों हो सकते हैं, एंजाइम्स आर डैश प्रोटीन, ये तो लगभग हर साल ही आ रहा है। 11th है दिस C5H10O इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डैश, साइक्लोपेंटेन तो हो नहीं सकता, 2-pentane भी नहीं हो सकता, नन किसी का फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। 13th है 20 ग्राम ऑफ डायटोमिक गैस ऑक्यूपाइज 44 DMQ बाय STP, ये पीछे जा चुका है ये वाला सवाल, ठीक है तो वहाँ पर देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ फार्मूला। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 22.41, ये फार्मूला लगा लेना, ये मास कैपिटल है मालूम कर लेना। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या फेवर करता है, SN2 फेवर करता है। इन एक्सो रिएक्शन हीट कॉन्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डैश, एक्सोथर्मिक में आप जानते हैं कि हीट कॉन्टेंट रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, तो रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर दैन प्रोडक्ट होती है, तभी हीट रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो किसका होगा, तो 50 DMQ इन 5 मिनट, 11 DMQ इन 1 मिनट, 20 DMQ इन 4 मिनट, 1 मिनट में 11 DMQ का ट्रांसफ़र हो जाना, ये ग्रेटेस्ट फ्लो है या इसकी लीस्ट विस्कोसिटी है। नेक्स्ट है फॉर्म सब्सटेंसेस AB, BC, 8C, AD है बॉन्ड एनर्जी डैश विच हैज़ लीस्ट बॉन्ड लेंथ, आई थिंक ये इसके साथ ही मुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है कि किसकी लीस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। देखिए लीस्ट बॉन्ड लेंथ कहाँ पर आएगी, हमने पता है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, तो यहाँ पर लीस्ट बॉन्ड लेंथ जिसकी होगी उसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी, तो ये हमारे पास AD के हमारे पास जो है वो लीस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास यहाँ पर, सॉरी लीस्ट बॉन्ड लेंथ है ना जिसकी, तो हाईएस्ट एनर्जी वाली है, सही है, AD हमारे पास भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है, निकल की होती है, 20 है विच इज़ लाइटर देन द रेस्ट, तो सबसे लाइटर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल आपको पता है एटम के अंदर होता है, जिसका वजन सबसे कम होता है 9.11 × 10⁻³⁻¹ kg होता है। नेक्स्ट है व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड सम न्यू लाइंस आर क्रिएटेड दिस इज कॉल्ड डैश, ये हमारे पास ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। SnCl2 हैज डैश शेप, SnCl2 का कौन सा शेप होगा, टिन क्लोराइड का, तो SnCl2 हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास लोन पर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये वाला जो शेप होता है हमारे पास दिस विल बी एंगुलर शेप, इसका भी बनेगा लेकिन बॉन्ड एंगल 119 डिग्री के बनेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है द बॉन्ड फॉर्म वर्ड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कॉज बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ टू एटम इज कॉल्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग से मुराद ये ना कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। PH3 हैव डैश शेप, PH3 में हमारे पास इसका शेप पिरामिडल निकलेगा अगर आप निकाल लेंगे तो। नेक्स्ट है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इनमें से क्या है, चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन, चूँकि यहाँ पर मोलैलिटी मोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, चूँकि यहाँ पर लीटर्स में बात नहीं की जाती, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिपेंडेंट तो होता है लेकिन वॉल्यूम और मास का नहीं होता, और आपको पता है मोलैलिटी हमारे पास मोल पर kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट FeSO4 जो है वो फेरस सल्फेट, हमारे पास फेरिक सल्फेट बन रहा है, तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तभी इसका चार्ज बढ़ रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है Cl2O7Cl, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डैश, तो किसकी ऑक्सीडेशन रेट पूछ रहे हैं अभी, ये तो उसमें पता ही नहीं चल रहा किसकी पूछी जा रही है, आई डोंट नो अबाउट इट कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पूछी जा रही है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल इज डैश, इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो NO2+, दिस विल बी कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट है विच इज़ बफर सोल्यूशन, तो बफर सोल्यूशन कौन सा है इनमें से, तो बफर सोल्यूशन में हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एसिटेटिक, वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है तो 2010 का पेपर अभी शुरू हो गया, देखें 2017 से स्टार्ट करके बैक हैंड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 23 द एलिमेंट इन विच पीरियड डैश, एटॉमिक नंबर 23 होता किसके वैसे अगर हम देखें तो स्कैंडियम का हमारे पास 21 होता है, टाइटेनियम का हमारे पास 22 होता है, विनेडियम का हमारे पास 23 होता है, क्रोमियम का हमारे पास 24 होता है, थर्ड पीरियड में तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये, फोर्थ पीरियड में होता है, इनर ट्रांजिशन नहीं होता, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्रास एक लॉ है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, कॉपर और जिंक का लॉ है। नेक्स्ट इफ KSP इज लेस देन आयनिक कंसेंट्रेशन देन द सोल्यूशन बिकम्स डैश, KSP की वैल्यू आयनिक कंसेंट्रेशन से अगर कम है, और आयनिक कंसेंट्रेशन मतलब अगर ज़्यादा है, तो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो सुपर सैचुरेटेड है।
नेक्स्ट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डैश, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं। नाइन्थ है ली चार्टर प्रिंसिपल, स्टेट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाय डैश, प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन सबको चेंज करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट के इक्वल टू 10^4 रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड कितनी ज़्यादा आ जाएगी तो फिर वो एसिडिक हमारे पास सॉल्यूशन होगा। 11th है प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, किस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर, ड्यूट्रियम में तो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता बल्कि इसी में होता है, ठीक है, हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। वैसे और भी देख लेते कि आप ऑल ऑफ देम में हो, ऑक्सीजन -2 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यस 8 होता है, इसमें भी सेम होता है हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन सही है, और नाइट्रोजन में भी तो सेम ही होता है 7 7, ऑल ऑफ देम का आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे डी। 12th है विच हैज हाइब्रिडाइजेशन SP, तो SP हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ होगी, तो इन तीनों में ही BCl2, क्योंकि तीनों का लीनियर शेप है, सब में SP हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट है H2SO4 डेढ़ मोल है तो इसमें मास सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर का वैसे 32 होता है एक मोल का, 32 और 16 ऐड कर दें, 32 और 16 6 2 8 हो गए, तीनों 48 ग्राम हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है बेस इज प्रेजेंट ऑन विच रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास बेस होता है, क्योंकि आप जानते हैं RX का रिएक्शन इसमें KOH के साथ किया जाता है। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास सोप कहलाता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू डैश, तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर हमारे पास किसकी हो जाएगा, थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एनी सब्सटेंस हैविंग केमिकली आइडेंटिकल एटम उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। 18 है द वैल्यू ऑफ आर इज डैश 8.314 और कैलोरी केल्विन पर मोल नहीं तो 1.987 कैलोरी, तो उसको हम करके देख लेते हैं, जैसे 8.314 है ना जूल है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4.184 से 1.987, यस वो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कम्बस्चन एनालिसिस इज परफॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग, इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला हम बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। 20 है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर डैश, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो किसके बराबर है, 0°C -459 इतना -273 केल्विन में तो ही नहीं सकता, तो -459.7°F उसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि फॉरन हाइट में जो है वो एब्सोल्यूट जीरो, इसके जीरो केल्विन इसके बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है द गैस लॉज आर नॉट ओबेड बाय जनरल गैसेस एज डैश, रियल गैसेस के लिए गैस लॉज का फॉलो नहीं होती, तो लो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर बोथ ए एंड बी। 23 है द सरफेस फॉर्म बाय द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड डैश प्लेन, क्लेवेज प्लेन कहते हैं, चैप्टर 2 का MCQs है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर क्रिस्टल्स आर जनरली डैश, मॉलिकुलर क्रिस्टल ज़्यादातर हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, जैसे आइस वगैरह को अगर हम देख लें तो। इफ़ एल इक्वल टू 2 देन द ऑर्बिटल विल बी डैश ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 है ज़ीरोथल क्वांटम नंबर, तो ये पी ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास 2000, तो अभी मैंने आपने देखा कि 2010 से लेकर मैंने 2000 जो है वो 17 तक, मतलब 7 ईयर्स के जो है वो मैंने आपको पास पेपर NAD को सॉल्व करवाए, तो इंशाल्लाह ये आपके जो कल से टेस्ट हो शुरू होने वाले उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर मेरे लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने टीचर संडे सिंदुल फकर को इजाज़त दें, बहुत जल्द हाजिर हूँगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।